गुड मॉर्निंग सो सर सो जीएसटी गुड्स एंड भाई क्लियर इंट्रो पढ़ा कि हाउ जीएसटी केम इंटरनेटेंस अरे क्लियर दस का क्रेडिट क्यों मिला शायद समझ में आया आपको बच्चों अरे हा है ना भाई क्लियर जीएसटी काउंसिल ने किस तरह से सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में रखे इस एक्ट को बनाया शायद समझ में आया आपको अरे ऐसे नो पका सी जीएसटी क्या होता है एस जीएसटी क्या होता है एंड वॉट इज द आई जी एस टी आई होप पर एंड पर अरे क्लियर स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है सर सी जीएसटी काम आता है आई जी एस टी के लिए भी काम आता है क्लियर पर एस जीएसटी क्रेडिट सी जीएसटी के लिए काम नहीं आता है सी और एस आपस में काम नहीं आएंगे आई जी एस टी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से दोनों में काम आता है आई जी एस टी में भी काम आता है सी जी एस टी और एस जीएसटी की लाइब्रिटी के लिए भी काम आता है आई होप परफेक्टली क्लियर आपके एंड पे सर अरे तो सर सर जीएसटी जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए सर 35 एक्ट बन गए थे जो मैंने आपको कल बताया बच्चों अरे ऐसे नो पक्का 100 परसेंट अच्छा कल जो मैंने आपको पूरी चेन समझाई वाली कौन सी गुड्स निकला था कहाँ से महाराष्ट्र से बनके कहाँ गया गुजरात कहां पहुंचा राजस्थान रेवेन्यू कहां जाएगी राजस्थान इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड कंज़म्पशन टैक्स शायद दिल की गहराइयों तक समझ में आया सर आपको पक्का बच्चों ठीक पता है बुक्स के अंदर लिखा होता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स और लोग उसको याद कर लेते हैं बेटा हमने जिया है बुरा हाँ पे

के कुछ प्रोविजन सिलेक्टेड प्रोविजन हमारे सिलेबस में आते हैं बच्चों एंड आई जी एस के कुछ सिलेक्टेड प्रोविजन में आते हैं सो विल रीड अकॉर्डिंगली एंड सर हम शुरू करते हैं कहां से सीजीएसटी एक्ट से शुरू करेगा बच्चों ओके okay, अब एक्चुअली हम सीजीएसटी <coughs> एक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं अच्छा पता है कल का जो लेक्चर था अपना उसमें मैंने जो बातें आपको सिखाई है हमने जो पढ़ी है हमने जो यहाँ पे समझाया है पूरा सिस्टम जो समझाया है पता है इसकी वजह से आगे जीएसटी समझने में आपको इतना इजी रहेगा कि आपको टर्म्स पता पड़ गई क्रेडिट अवेल करना क्या होता है क्रेडिट यूज करना क्या होता है अच्छा क्रेडिट क्या होता है ये भी समझना आ गया आपको बेटा रहा है ना आई जीएसटी क्या होता है सी जीएसटी क्या होता है एस जीएसटी क्या होता है मैन्युफैक्चरर क्या होता है एक्साइज क्या था सर्विस टैक्स क्या था वेट क्या था आई थिंक पूरा फंडा क्लियर है सर आपको ठीक है पता है हमेशा ध्यान रखो बेटो चैप्टर्स पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वो टॉपिक क्यों आया कैसे आया आखिर हुआ क्या था ये अगर हमने समझ लिया तो उस चैप्टर में क्या होने वाला है वो अपने आप आपको समझ में आएगा आपका खुद दिल चलेगा आपका खुद का दिमाग चलेगा यू नो ऐसा नहीं कि टीचर बोल रहा है इसलिए आपने मान लिया आई डोंट वॉन्ट दैट कि मैं कह रहा हूं ना बस मान लेगा ऐसा नहीं आपका दिल कहेगा कह ये होना चाहिए क्लियर कल मैंने कई बार आपसे पूछा आपका दिल क्या कहता है बताऊ मुझे आप हाँ ना, आपने खुद ने बोला इट मीन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट और आपका माइंड अगर चलने लग गया तो अपने आप क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कौन है तो सर लॉ भी किसने बनाया किसके लिए बनाया है तो डेफिनेटली वो लॉजिकल है यार तो हम सोचो तो सही तो वो मैं करता हूं काम क्लियर कि आपको जो आता है उसी को मैं डायरेक्शन देके एक अच्छे स्ट्रक्चर में उसको फिट कर देता हूं और एक्ट पूरा समझ में आएगा आपको अकॉर्डिंगली आइए बच्चों सीजीएसटी एक्ट हम शुरू करते हैं सबसे पहली बात कोई भी एक्ट जब शुरू होता है कोई भी रूल्स जब शुरू होते हैं उसका रूल नंबर वन या सेक्शन नंबर वन क्या होता है बच्चों इस एक्ट का नाम क्या होगा एक्सटेंड अप्लाई होगा और किस दिन से अप्लाई होगा कमेंसमेंट क्लियर तो सर सबसे पहली बात जीएसटी एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है या तो सीजीएसटी एक्ट एक 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 है जिएश्ट जिएश्ट या एसजीएसटी एक्ट है या यूटीजीएसटी एक्ट है आईजीएसटी जी एस टी एक्ट है अरे हाइना जीएसटी कंपन याद आया बेटा आपको ये एक्ट से क्लियर अदरवाइज जीएसटी एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है ओके बच्चों ठीक है कॉमन पार्लियस अलग बात है ओके, सरकार सी जी एस टी एक्ट की बात शुरू करते हैं हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 1 फर्स्ट जुलाई 2017 से ये इंप्लीमेंट हुआ पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हुआ एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जुलाई right, 2017 की बात करूं थ्री तो यार क्लियर तो, तो सरकार क्या बोला है पता है पहले क्या होता था आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर नो डाउट हिंदुस्तान का था हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का ही रहेगा पर आर्टिकल 370 की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट कोई भी कानून उस स्टेट में तभी अप्लाई होता था जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की हमें कॉन्स मिलती थी नहीं होता था। आज मान लो हम महाराष्ट्र में बेचो अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट पास कर दे तो क्या महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं होगा वो तो पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होगा ना यार तो कश्मीर का क्या अलग ट्रीटमेंट था जिसको आर्टिकल थ्री ने 370 उड़ाने की वजह से हट गया है बच्चों क्लियर समझे मेरी बात पर उस टाइम क्या था बच्चों एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो फर्स्ट जुलाई 17 को जब जीएसटी आया था इट शेल अप्लाई टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड पर आठ जुलाई एथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन महबूबा मान गई महबूबा मुफ्ती सर और एथ जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अप्लाई कर दिया था <coughs> वरना डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स जो भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम होती कहां पर कश्मीर में उनका उनको रेवेन्यू नहीं मिलता लॉस उन्हीं को होने वाला था इसलिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और बोला ठीक है साहब यहां पर भी, भी हम जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं हा है हाँ ना भाई और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड तो आर्टिकल 370 हट ही गया है अब ये तकलीफ तो आने वाली नहीं है हाँ ना पर उस टाइम पे थी तो मैंने आपको बताया भी बेटा ओके मालिक अरे क्लियर पका डन तो सर ध्यान दीजिएगा इट्स एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया व्हाट डू मीन बाय इंडिया हिंदुस्तान भारत माँ को डिफाइन करो इंडिया की डेफिनेशन शायद आपने डायरेक्ट एक्स में पढ़ी होगी सुना होगा आपने इंडिया चलो पहले बात इंडिया की लेते हैं सर हिंदुस्तान भारत माँ सारे जहां से अच्छा भारत माता की बहुत बढ़िया <laughs> सर इंडिया सुना मातु ध्यान से इंडिया की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मास जो बाउंड्री है इंडिया की आप देखिएगा <clears throat> सारे अरे दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ आपको समझाने के लिए बाकी इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है सर ओके okay, सर ओके 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 समझिएगा इंडिया सर लैंडमार्क जो इंडिया का दिख रहा है ये तो इंडिया है ये अच्छा, ही है अच्छा ऊपर से अपना ही है बेटा हमारा देश बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है ओके okay, अभी पीओ के भी आने वाला है सर सर अखंड भारत वेरी गुड बेटा सर इंडिया लैंड मार्क्स तो यही है बेटा प्लस 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 यस गुड इधर क्या है बेटा पानी ब्लू है पानी पानी है ना बेटा गुड कभी सोचा आपने पानी ब्लू क्यों होता है बेटा हाँ? क्या बेटा इसलिए साइंस नहीं ली बेटा <coughs> सर सुनना ध्यान से मालिक इंडिया लैंड मार्क्स तो इंडिया का है ही है बेटा जो बाउंड्री वॉल अपनी है प्लस इंडिया एक्सटेंड्स टू हाँ जी टू हंड्रेड नोटिकल इनकम टैक्स एक्ट कितने में अप्लाई होता है इनकम टैक्स एक्ट केवल फर्स्ट ट्वेल्व नॉटिकल माइल में अप्लाई होता है बच्चों जिसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। जहां तक मेरा नॉलेज है सर इनकम टैक्स मेरे को आता नहीं है सर है हाँ ना भाई आई थिंक आपको क्लियर है बेटा ये बात अरे नो क्लियर पर फॉर दी दर्पज ऑफ जीएसटी फॉर दी दर्पज ऑफ जीएसटी पूरे 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स पर जीएसटी अप्लाई होता है इंडिया एक्सटेंड्स टू एंटायर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स इन दिसम दिस क्लियर अब सुनना बात को ध्यान से ये 200 सौ नोटिकल माइल जैसे मान लो ये है क्लियर फ्रॉम दी सी शोर समुद्री किनारे से 200 सौ नोटिकल बेटा इस तरफ दिख रहा है बेटा आपको ये पर खास बात अगर हम इस तरफ की बात करेंगे तो वो इस तरफ है बेटा समझा मेरी बात ओके 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 लॉजिक क्लियर हो जाए आपको या इसका भी समझाऊंगा लॉजिक बेटा क्लियर है ना बेटा और समझाऊ इसमें कुछ आगे ना मतलब पका केवल आप नहीं सकते हो बेटा कुछ स्किल्स में भी पकाने की ओके सर बात ध्यान से सो so, ऊपर बेटा पानी डालते नीचे ना बेटा इसलिए ऊपर नहीं बेटा अभी ठीक हाँ। <laughs> इतना लॉजिक बेटा ऊपर पानी डालेंगे नीचे आएगा ना यार इसलिए ऊपर पानी नहीं बेटा नीचे ही पानी अभी ठीक है और समझाऊ कुछ पक्का हंड्रेड परसेंट क्लियर ओके नहीं और भी कोई डाउट होता है आई कैन क्लियर ओके <laughs> और एक्चुअली क्या है बेटा जैसे आपको डाउट क्यों आया होगा मैं आपको बेटा, क्योंकि से छेद है बेटा पे। तो निकल जाता पानी बेटा। अभी ठीक है सर अभी अभी समझ में आया तेरे को बेटा हाँ कुछ लोग होते जिनको बात मतलब उम्र तो बड़ी पर समझदारी लेट आती बेटा सर नहीं पाकिस्तान पाने में नहीं बेटा क्यों बेटा है ना बेटा एक बार तू आ जाना रिसर्च करके वही रह रहना बेटा सर सुन हाँ थोड़ा भर दो भर दो इसको भी हाँ चलिए चलिए एनी वेज तो सर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है अच्छा जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूँ आपको वैसे तो इस 200 हंड्रेड नोटिकल माइल में कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो क्लियर तो वहां जीएसटी लगेगा ओके मालिक ठीक सर ये 200 नॉटिकल माइल में इसका ब्रेकअप कर लेता बेटा मैं दो पार्ट्स में एक है फर्स्ट ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फर्स्ट ट्वेल्व मतलब इंडियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ पानी बेटा हाँ ना भाई क्लियर इसको बोलते हैं क्या इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स इंडियन टेरेटोरियल वाटर्स अच्छा मैंने जो नोट्स कल लिखे थे उसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था लेट होता था कल पर आप रोज में लेक्चर की बात ही करूंगा शेयर बच्चों ठीक तो फर्स्ट ट्वेल्व नोटिकल माइल्स इंडियन टेरिटोरियल वॉटर्स ओके मालिक सर नेक्स्ट नेक्स्ट कितना होगा बेटा नेक्स्ट कितना होगा बेटा तो बोलो ना को डाउट है क्या आपको न एटीगेट नोटिकल माइल्स और हां आपको पता है वन नोटिकल माइल इज अराउंड वन पॉइंट एट फाइव थ्री किलोमीटर ओके वन नोटिकल माइल इज अराउंड वन पॉइंट एट फाइव थ्री किलोमीटर्स ओके बच्चों तो लगभग सर लगभग नहीं एग्जैक्टली वन एटीगेट नोटिकल माइल्स जो है आफ्टर ट्वेल्व नोटिकल माइल इसको बोलते हैं क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया ना भाई ये नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स हो गया टोटल हो गया कितना बच्चों 200 नॉटिकल माइल्स अब सुनिएगा ध्यान से वैसे जीएसटी के पर्पज लिए ट्वेल्व नोटिकल नो, माइल में आप कोई काम करो या आगे कोई काम करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सप्लाई अगर वहां की या वहां से सप्लाई आया तो जीएसटी लगेगा ओके मालिक यहां तक क्लियर है सर ओके अब सर पता है ट्वेल्व नोटिकल माइल तो बहुत पास हो गया लगभग बीस पच्चीस किलोमीटर हो गया सर उसके बियॉन्ड ये जो 188 एटी एट नोटिकल माइल्स है नॉलेज के बता रहा मैं आपको बेटा यहां पर सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है इंडिया की गुड वेरी गुड बेटा सर ऑयल एक्सप्लोरेशन क्या है मालिक ऑयल एक्सप्लोरेशन तो यहां पे ऑयल रिक्स लगी हुई क्या लगी हुई बेटा ऑयल रिक्स जहां से ऑयल एक्सप्लोर करके ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों हाँ ना भाई और वो ऑयल निकाल के फिर इंडिया भेजा जाता है हाँ है ना सर बॉम्बे हाई वगैरह आपने नाम सुनाओ कभी तो ठीक है तो सर अगर आपने वहां कोई मशीन सप्लाई करी मान लो तो मतलब इंडिया से इंडिया में सप्लाई करी बेटा आपने आप इंजीनियर मान लो आपने वहां पर सर्विसेज दी इंजीनियरिंग सर्विसेज आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी बेटा क्लियर अच्छा वहां से कोई ऑयल जो था या कोई भी गुड्स वहां से यहाँ पे इंडिया में आया बेटा मतलब मुंबई आया मान लो पुणे आया बेटा तो ऐसे केस में क्या है इंडिया से इंडिया में सप्लाई हुआ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कहलाता है समझे मेरी बात वो इंडिया से इंडिया में सप्लाई हुआ है और ऐसे केस में क्या लगेगा मालिक जीएसटी

सी जी एस टी एक्ट शेल अप्लाई टू एंटायर इंडिया और इंडिया का मतलब क्या होता है लैंडमार्क तो यही है प्लस टू हंड्रेड माइल इज ऑल्सो इंडिया जहां पर यह एक्ट अप्लाय होगा ओके okay, बच्चो यहां तो क्लियर ओके ओके ठीक है सर को डाउट ओके सर ये हो गया क्या इंडिया का पॉइंट कि सर इंडिया कहां तक एक्सटेंड हुआ हुआ है और ये जी एस टी एक्ट ये था देखिए अच्छा, जो वर्ड्स काम आए उनको उनका मीनिंग क्या होता है जैसे जैसे वर्ड्स काम आएंगे वैसे वैसे हम रिलेवेंट डेफिनेशन पढ़ लेंगे बेटो ठीक है चलिए अभी सबसे पहली बात <coughs> मैं आ रहा हूं सेक्शन नंबर नाइन पर कहा रहा बेटा मैं सेक्शन नंबर नाइन पर सेक्शन नंबर नाइन जो है वो है चार्जिंग सेक्शन क्या है बच्चे चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन जिसमें लिखा होता है कि ये काम करने पे ये टैक्स लगेगा ये टैक्स चार्ज होगा क्लियर उस सेक्शन की वजह से वो टैक्स चार्ज हो रहा होता है उस एक्टिविटी पे चार्ज हो रहा होता है उस सेक्शन में लिखा है हर लॉ के अंदर इस तरह का सेक्शन होता है जो भी टैक्सेशन के लॉ होते हैं बेटा ठीक है मालिक क्लियर हम बात करें सेक्शन नंबर नाइन की सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे क्योंकि चार्जिंग होगा किस पे होगा फिर आगे की सेक्शन की बात करेंगे बेटा हा है ना भाई चलिए सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन ऑफ विच एक्ट हा ऑफ सी एक्ट टू थाउजेंड है ना सर आइए सर ये क्या बोलता है सर सी जी एस टी शेल बी लेविड क्या बोलता है बेटा सी जी एस टी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विन सच सप्लाईज ध्यान देना बेटा ओ भाई सारी गुड्स सारी सर्विसेज और बोथ मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ है तो बेटा पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट दारू पी कभी आपने बेटा देखी तो होगी नाम तो सुना होगा बेटा क्लियर उस पर जीएसटी नहीं लगता अच्छा दारू को क्या बोलते बेटा बियर्स यस वेरी गुड बेटा एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन बच्चों ध्यान देना बैठा एल्कोहल लिकर एल्कोहल लिकर इधर इधर फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन बच्चों, पता है आपको एल्कोहल लिखकर केवल तो नशे के लिए काम नहीं आती है उसका अदर यूज भी बेटा एल्कोहल का अदर यूज क्या जैसे मेडिसिन बेटा कुछ लोगों के लिए दारू दवा है ना बेटा है ना बेटा क्लियर सर गम हो तो दारू खुशी हो तो दारू हा है ना भाई क्या ब्रेकअप हो तो दारू पैचअप हो तो दारू तो क्या हा बोला तो दारू ना बोला तो दारू हर जख्म का इलाज दारू वेरी गुड बेटा मतलब आप जैसे लोग जो है ना बेटा उनकी वजह से दुनिया चल रही है मेरी बर्थडे हो तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा ये झूठ बोल रहे बेटा आप ओके 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 सर सुनना ध्यान से सुनना सुना सुना ओके तो सर सी जी एस टी चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है बेटा सी जी एस टी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओके बच्चों मतलब एल्कोल लिकर जो अदर यूज के लिए होती है जैसे मेडिसिनल यूज के लिए हो गई परफ्यूम्स में काम आता है शैंपू में काम आता है ठीक है और भी दूसरे जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए एल्कोल बनता है उस पर जीएसटी लगता है ओके okay, बच्चों क्लियर एल्लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है अच्छा आप पूछो एक बार कि आखिर क्यों नहीं है चलो एक काम करता हूं एक बार पूरा लिखता हूं तो आधान सर उसमें भी बेटा एक बार रुकिए रुकिए ठीक है, है। बताता हूं क्यों नहीं है आखिर बेटा आखिर क्यों दारू को जीएसटी में लेके नहीं आए ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं पीते इसलिए नहीं है ऐसा नहीं है क्लियर ऐसा नहीं, 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 नहीं है सर सुना एक्सेप्ट एलको लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन एट द रेट एट द रेट नोटिफाइड बाय नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल भाई कल बता मैंने एक बात कही थी आपसे, सब डेलीगेटेड पावर क्या था डेलीगेटेड पावर कि गवर्नमेंट आईडी कर सकता चेंज ये रहा नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट आगे ना बैठा पे पार्लियामेंट के सैंक्शन की जरूरत नहीं है पर सर ध्यान जीएसटी के अंदर जितने भी डेलीगेटेड पावर्स है ऑल पावर्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी काउंसिल क्यों बताओ कारण बताओ मुझे hmm. वरना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाएगा याद आया बेटा आपको

सर नोटिफाइड बाय दी गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल पूरे जीएसटी का पावर आएगा ही आए आएगा उसके बिना जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता हिंदुस्तान गवर्नमेंट अपने अपना अलग कानून बनाएगी जीएसटी में सीजीएसटी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कानून बनाएगी विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बेटा ठीक है डन तो सर नोटिफाइड बट ग मैक्सिमम रेट ऑफ सी जीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट कैन बी वॉट एक मिनट मैक्सिमम रेट ऑफ सी जीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट मेरा क्वेश्चन ध्यान से पूछना बेटा ध्यान सुनना आई नीड द आंसर बताइए वॉट कैन बी दाइएस्ट रेट ऑफ जीएसटी वॉट कैन बी दाइएस्ट रेट अंडर जीएसटी

ट्वेंटी परसेंट ओके गुड यही अगर मैं आई जी एस टी पढ़ा रहा होता तो मैक्सिमम रेट कैन बी मजा गुड सर मैक्सिमम रेट 20% अभी ट्वेंटी परसेंट जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा ये किसका लगेगा किस पर लगेगा ऑफ दी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो हम सेक्शन में फिफ्टीन में पढ़ेंगे बेटा वैल्यूएशन के लिए वैल्यू भाई इनकम टैक्स किस पे लगता है यार इनकम पे बेटा पर सर कल ही हमने बात करी थी जीएसटी से टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन सर मैंने मान लो ये बैटरी ये बैटरी मैंने आपको दस हजार में बेच दी बेटा हा है ना भाई तो ये ट्रांजेक्शन कितने में हुआ है तो दस हजार लगेगा जीएसटी बच्चा वैल्यू पर इसमें कितना कमाया कितना गवाया उसे मतलब नहीं है ठीक है सर पक्का सो इट इज चार्ज ऑन वैल्यू अब वैल्यू क्या होता है पढ़ेंगे हम सेक्शन में बेटा ओके लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए सेक्शन नंबर फिफ्टीन वन फाइव एंड बड़ी सुंदर बात लिख रहा हूं बेटा एंड इट शैल बी एबल By a taxable person. Full stop. It shall be payable by a आवाज नहीं आ रही सर टैक्सेबल पर्सन अच्छा आप लिख रहे हो अग्रीड और आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए बेटा ना आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए बेटा मजा आ जाएगा सर आपको है ना मैं चाहता हूँ कि एक एक वर्ड दिल तक पहुंचे बेटा ऐसा नहीं मैंने लिख दिया और आप याद कर लो सर ठीक है सर ओके okay. सरकार इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन ठीक है फुल स्टॉप एक बार मैं पूरा वापस बोलता हूं बेटा फिर एक एक चीज वापस थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं बेटा मैं सेक्शन नंबर नाइन वैसे इसके आगे लिखा हुआ है, है उसको छोड़ देना बेटा वो बात करते हैं नाइन टू पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको बेटा ठीक है अभी इतना काम का वो लिखा मैंने आपके लिए ओके वापस बात करो सेक्शन नाइन सेक्शन वन बोलता है क्या सी जी एस टी शैलवी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट बट नॉट मोर देन 20 परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज डिफाइंड सेक्शन नंबर एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन यहां तक पिक्चर क्लियर पक्का बच्चों गुड तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चा इन केस ऑफ जीएसटी जीएसटी लेवी कब होगा बच्चा स्टेट सप्लाई सारे गुड्स बहुत एक्सेप्ट दारू दारू कौन सी पीने वाली बेटा हा भाई इंडस्ट्री वाली पे लगेगा ठीक है मालिक इसलिए आप एग्जाम लिखे हो तो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पूरा लिखना केवल लिकर मत लिखना बच्चा ओके ठीक सर एंड मैक्सिमम रेट ऑफ सी जी एस टी कैन बी ट्वेंटी परसेंट अच्छा अलग अलग गुड्स पे अलग अलग सर्विस पे गवर्नमेंट ने रेट नोडिफाई करी हुई है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ओके बच्चों ठीक सर अब सर इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन अब मैं बार बार यही पे अटक रहा हूं आपको समझा जाता बेटा मेरे बात को। कोई बात अगर दो तीन बार बोली मतलब तो कुछ तो बात होगी यार है उसके पीछे ये क्या होता है टैक्सेबल पर्सन वैसे तो मैं आपको जब आ, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर टेन में तब तो आपको धमाका मजा मजा आ जाएगा सर उस टाइम पे पर फिर भी अभी थोड़ा आइडिया देता दे हूँ मैं आपको थोड़ा मजा आएगा नया नया है ना जीएसटी सर तो अच्छा लगता है नया नया प्यार थोड़ा अच्छा लगता है बाद में ठीक है है ना हाँ मतलब क्या है ओके 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 सर बताओ मस्ताला पॉइंट टेक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया हुआ है जीएसटी के अंदर और द टर्म टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है सर दो कैटेगरी के, के लोग फर्स्ट अ पर्सन हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पर्सन हु इज आवाज नहीं आ रही हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वो लिखा रजिस्ट्रेशन है ना बेटा वो शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है बेटा आपको ठीक है कहीं नहीं समझ में मुझे बेटा ओके सर सेकंड अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी क्या लिखा बेटा अ पर्सन हु इज Under GST. So, person, मतलब, दो कैटेगरी के पर्सन आ गए एक तो अर्सन तो तो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी जिसपे रजिस्ट्रेशन की लाइबलिटी आती है, है आपको बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा रहा बेटा आपको सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू में लिखा है किनको रजिस्ट्रेशन कराना है 23 में लिखा है किनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है हम पढ़ेंगे बाद में बेटा पर एक हिंट देने के लिए आज जिनका भी टर्न साल का टर्न एग्रीगेट टर्न पूरे साल का लाख ट्वेंटी क्रॉस होता है कितना बच्चे 20 लाख रुपए उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कुछ एक्सेप्शन भी है कुछ बातें अलग भी है पर मेरा टॉपिक अभी वो नहीं है सर आइडिया दे मैंने आपको बेटा कितना टर्न बेटा ट्वेंटी लेख का टर्न ओवर अगर आपका है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जैसे ट्वेंटी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है ओके बच्चो अच्छा मान लो आपका साल का टर्न है तीन लाख रुपये बेटा कितना है बेटा थ्री लैक्स डू यू नीड रजिस्ट्रेशन नो फिर भी आप चाहो तो वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सर क्या करा सकते हो बच्चे अब अगर आपने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन करा दिया तो यू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन करा दिया तो यू बी अ एंड वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन यू आर अ टैक्सेबल पर्सन क्योंकि पर्सन हुए पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन इट मीन यूर टर्सन एंड वंस यूर टर्सन आप लग गए जीएसटी क्लियर समझा मेरी बात भले आपका टर्न और बीस लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ ट्वेंटी लाख क्रॉस नहीं हुआ यू आर नॉट लाइबल बट यू हैजिस्ट्रेशन वॉलंट्री इवन दैट पर्सन बीके टैक्सेबल पर्सन और चार्जिंग सेक्शन आप पे हो गया और चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया मतलब आपकी दुकान से जो गुड्स आप बेचेंगे उन सब पे जीएसटी लगेगा पर अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे बेटा और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आप जो सप्लाई करो उस पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है <coughs> हाँ है ना भाई जैसे रोड साइड पे किसी लॉरी पे आपने पानी पूरी खाया बेटा हाँ है ना कोई बड़ा पाव खाया क्लियर अब उसका टर्न ओवर बीस लाख नहीं है हाँ ना भाई आपने वही पाव अगर आप खा रहे होते हाँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बेटा तो उसी वापस इनवोस देखकर जीएसटी लगाया होता बेटा आप पर हाँ ना मालिक क्लियर पर वही लोरी वाले पर्सन ने वो जो ऑन रोड साइड उसने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया होता उसका टर्न ओवर ही बीस लाख क्रॉस नहीं हो रहा है तो क्या होता बेटा वो Sir, उसको रजिस्ट्रेशन करा, करा, दिया तो बिकम बेचेगा जीएसटी लगेगा हाँ अब लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे क्या क्या इफेक्ट है है कारण इसके वो वो सब बात करेंगे बाद में बेटा अभी टॉपिक अपना नहीं है पर मेरा पॉइंट ये था कि चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है शायद आप तक बात पहुंच गई मेरा मेरी हा है ना भाई चलिए तो मैं यहाँ पे आपके याद रहे आपको इसलिए मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग ताकि आपको ध्यान रहे बच्चों इंक्लूडिंग वॉलन्ट्रिली वॉलंट्रीली इंक्लूडिंग वॉलन्ट्रीली रजिस्टर्ड पर्सन ओके बच्चों ठीक है चलिए ये था आपका क्या सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन सर जिसमें लिखा है क्या स्टेट सप्लाई होने पर क्या लगेगा जीएसटी लगेगा जीएसटी विल बी लेविड मतलब चार्ज होगा टैक्स लगेगा टैक्स इंपोज होगा क्या करने पे इंपोज होगा स्टेट सप्लाई करने पे आपको जीएसटी इंपोज होगा सी जीएसटी इंपोज होगा बेटा हाँ ना भाई इस सेक्शन हमको बताया है सेक्शन हमको बताया है कि ये काम करने पे जीएसटी लगेगा इसलिए दिस सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन हाय ना मालिक समझे मेरी बात आप ओके आइए बच्चों सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन टू की बात करता मैं आपसे बेटा सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन टू क्या कहता है सर कि पांच गुड्स कितने गुड्स बेटा पांच बोलू नाम बेटा मैं पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोल डीजल वगैरह बेटा ठीक है इन पे जीएसटी नहीं लगता है बेटा ठीक है वो यहां लिखा है बता रहा हूं मैं आपको बेटा ओके सर पेट्रोलियम क्रूड क्रूड ऑयल होता ना बेटा प्रोसेस करने से पहले वाला पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल जिसको नॉर्मल डीजल बोलते हैं बेटा हम लोग मोटर स्पिरिट जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं पेट्रोल जो पीते हैं ना बेटा सर गाड़ी पीती बेटा गुड सर गाड़ी पीती नहीं बेटा गाड़ी को आप पिलाते हो बेटा सर क्या बेटा सर पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन एज पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है बेटा क्लियर एंड नेचुरल गैस ये पांच गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है तो मतलब ये पांच गुड्स ऐसी जिसपे जीएसटी नहीं लगता पांच और एक और सिक्स कौन सी एल को लेकर फोर ह्यूमन कंजम्पशन ये छह गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी अभी नहीं लगता इसलिए इन छह सप्लाई इसको कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या बोलते हैं बेटा इनको लिख दू बेटा क्या इन पे टैक्स लगता ही नहीं है कितनी गुड्स नहीं छह कौन सी हो गई बेटा पांच तो ये और एक दारू बेटा ठीक है एक मिनट भाइयों अच्छा इन पांच गुड्स के नाम भी बुक में लिखे बेटा है ना अपने यहां लिखने से क्या फायदा बेटा आपने को ओके ध्यान देना बेटा इधर ध्यान भाई भाई तो कितनी गुड्स पे जीएसटी नहीं है बेटा छह घूम लो और झूम लो घूम लो बेटा पेट्रोल वगैरह बेटा या फिर झूम लो चूम लो नहीं बोला है सर सुनना चुमने चुमने पे तो जीएसटी नहीं लगता है मतलब पैसा लेते हो क्या <laughs> अगर लेते हो तो लगेगा जीएसटी ध्यान रखना बेटा सर सुनना बात ध्यान से सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर छह गुड्स कौन कौन से बेटा घूम लो और झूम लो घूम लो तो पेट्रोल वगैरह बेटा क्लियर या तो घूम लो या दारू है हाँ ना भाई इन गुड्स पे भी जीएसटी नहीं लगता अब सुनो बेटा क्यों नहीं लगता बात बेटा इसके बारे में बताओ मुझे मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन भी नहीं नहीं मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी फोर्टी परसेंट दारू हेवी टैक्सेस बेटा क्लियर पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे हैवी टैक्सेस भाई हैवी टैक्सेस जितने का मतलब पेट्रोल नहीं होता जितने दारू नहीं होती उतना टैक्स है बेटा उस पर और जीएसटी में अगर लिया तो मैक्सिमम कितना भी फोर्टी परसेंट ठीक है एक कारण तो ये दूसरा कारण सर अगर मैं बात करूँ किसकी दारू की बेटा क्लियर दारू और पेट्रोल सर दोनों की बात करता पहले मैं इन पर जो पुराने लॉज थे बेटा वो अभी भी लगते हैं बेटा एक्साइज और वेट जो पहले लगता था वो अभी भी लगता है हायर टैक्सेस उनकी रेट वॉज हायर इसलिए उनको जीएसटी मर्ज नहीं किया सेकेंड थिंग सरकार दारू जिसका सबसे वैलिड रीजन जो दारू का है वो यह है कि लिकर को जीएसटी में लेके क्यों नहीं आए क्योंकि लिकर पर बिफोर जीएसटी वेट तो लगता था सेल करने में बेटा और मैन्युफैक्चर करने पे जो एक्साइज लगता था ना बेटा एक्साइज एक्साइजी स्टेट एक्साइज ड्यूटी कौन सा लगता था बच्चा स्टेट एक्साइज ड्यूटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मतलब दारू पे तो पहले भी स्टेट एक्साइज ही था और स्टेट का ही वेट था बेटा मतलब दारू के बेचने पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं लगता था कोई टैक्स नहीं मिलता था पूरी पूरी रेवेन्यू किसको मिलती है एंड स्टेट डू नॉट वांट टू शेयर द रेवेन्यू विद विधि सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफ इसलिए चार्जिंग सेक्शन में लिख दिया कि नहीं दारू पे तो जीएसटी तो हाँ के अंदर बेटा और अभी भी उसपे स्टेट एक्साइस ड्यूटी एंड वेट ही लगता है किस पर बेटा एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में बच्चों यहां तक समझ में आया गया बात आपको इसलिए इसको मर्ज नहीं किया पेट्रोल डीजल वगैरह पे हैवी टैक्सेस है बच्चा एक्साइज और वेट इतना हैवी है सर कि उसको अगर जीएसटी मर्ज करते तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम हो जाए बेटा इसलिए इन्होंने इस पर मर्ज नहीं किया समझा मेरे भी आप आवाज नहीं आ रही हो पक्का बच्चो ओके डन तो हेल्को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन और पेट्रोलियम गुड्स इन पे जीएसटी नहीं लगता ओके बच्चों चलिए सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर थ्री सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन थ्री चलो एक बार पहले लिख देता हूं मैं फिर आपको समझाता हूं बात करते हैं मस्त वाली सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा और यही अगर एसजीएसटी पढ़ रहे होते तो आप क्या लिखा होता बेटा स्टेट गवर्नमेंट बेटा ठीक है तो कुल मिला गवर्नमेंट एज द पावर गवर्नमेंट एज पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकती है और नोटिफाई करके बोल सकती है कि यहां पर इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट शेल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अभी कल बोल रहा हूँ समझाता हूँ दो दिन बाद जिसको प्यार से बोलते हैं आर एंड All the provisions of the Act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the Government, full stop. Okay, sir. सर अभी सुनिए ध्यान से सेक्शन नंबर नाइन है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोध को नोटिफाई कर सकता है नोटिफाई करके बोल देगा क्या इन नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाई करना मतलब लिस्ट बना देना बेटा बोल देना इन गुड्स में ही होगा ठीक है ओके okay. गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोध को नोटिफाई कर सकता है और नोटिफाई करके बता देगा कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोध में कौन है बेटा

मार्कर्स क्या बनाता हूं भाई मार्कर्स सर आप मुझे बताओ जब मैंने इसको सप्लाई किया होगा इसको बेचा होगा इसमें क्या लगा होगा बेटा जीएसटी अरे हा है ना आप मुझे बताओ जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है ऑब्बियसली सर तभी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा इट्स इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है बेटा आप कस्टमर हो तो आपसे टैक्स पहले सप्लायर लेगा और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा हा ना भाई तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है कौन पे करता है ऐसे नो पर कुछ केस में गवर्नमेंट ने सिस्टम रिवर्स कर दिया क्या कर दिया बेटा रिवर्स कर दिया मतलब कौन लाइवल होगा वहां पे रेसिपिएंट ये सप्लायर ये रेसिपेंट कौन लाइव होगा बेटा मतलब गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली कौन पे करेगा रेसिपेंट डायरेक्टली टैक्स पे करेगा कुछ गुड्स और सर्विसेज में में बेटा सब नहीं वो कुछ गुड्स और सर्विस जो गवर्नमेंट क्या करेगा जल्दी बोलो क्या करेगा नोटिफाई करेगा वहां कौन टैक्स पे करेगा रेसिपेंट टैक्स पे करेगा किसको पे करेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा सर है हाँ ना भाई क्लियर समझे मेरी बात मतलब वहां पे सिस्टम क्या कर दिया गवर्नमेंट ने आवाज नहीं क्या कर दिया बेटा रिवर्स इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं ठीक है ठीके? बाकी नॉर्मल कोर्स में लाइबल कौन होता है बेटा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लिख देता हूं आपके लिए नॉर्मल लाइबल कौन होता बेटा सप्लायर उसको क्या बोलते बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है उस सिस्टम को जहाँ पे सप्लायर खुद लाइबल होता है मालिक ओके okay भाई ठीक अच्छा बाकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या बोला सर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कौन लाइबल होता है जल्दी बोलो कौन लाइबल होता है कुछ एक्सेप्शनल केस है बेटा। अब आप कहेंगे, वो एक्सेप्शनल केस कौन-कौन से है। तो मैंने मैकेनिज्म का एक पूरा आपको समझ में आएगा किसी क्यों आया वरना ना क्या है? वो दिल में कसक रह जाएगी आखिर क्या है हा है ना भाई ठीक है आपको बेटा ठीक है लिस्ट ऑफ सर्विसेज अच्छा गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स भी नोटिफाई किए हुए हैं और कुछ सर्विसेज भी नोटिफाई किए हुए हैं अच्छा गुड्स हमारे कोर्स में नहीं आता है लिस्ट ऑफ गुड्स हमारे कोर्स में नहीं है लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमारे कोर्स में आती है हम पढ़ेंगे सर पर बाद में पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा वेदांत भाई क्लियर आप समझना ध्यान से मान लो गुड 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 एग्जाम्पल तू वाला बेटा चलिए सर नॉर्मल कोर्स में लाइबल कौन होता है बेटा सप्लायर पर यहां क्या लगा दिया रेसिपेंट को बोल कर दिया इसको क्या बोलते हैं बेटा अब ये वर्ड को भूलोगे तो नहीं बेटा आप लॉजिक समझ में नाम कैसे पड़ा रिवर्स हाँ है ना अब सिस्टम समझ में आ जाएगा बेटा आपको ओके okay. चलो एक मस्त एग्जाम्पल देता हूं आपको बेटा मान लो आउट ऑफ इंडिया से आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा वैल्यू ऑफ सर्विसेज आपने क्या करी बेटा सर्विस इंपोर्ट सपोज सर्विसेज की वैल्यू थी कितनी बेटा टेन लैक्स सर वैल्यू सर्विस कितना बेटा आप जो एग्जाम्पल ले रहे गलत है बेटा इसलिए वो एग्जाम्पल मैं नहीं बोल रहा बेटा क्लियर क्योंकि उसको इम्पोर्ट सर्विस नहीं बोलते बेटा <coughs> अरे भाई थोड़ा बुधवार जाना कम कर बेटा ध्यान दे सर इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो बेटा अगर छह हजार वाली सर्विसेज आपको अवेल करनी है तो पढ़ाई भी ध्यान दो बेटा अभी नहीं तो जीवन पर दो सौ दो सौ से काम करना पड़ेगा सर <laughs> इधर ध्यान दो सर मेरे को कैसे बता बेटा क्योंकि मैं बारह हजार वाली सर्विस देता बेटा सर इधर सर पॉइंट मेरा आपसे ये सी ए फाइनल फुल कोर्स की सर वैल्यू बारह हजार रुपए इसलिए मैं वो याद है बेटा सर सुनना तो मालिक वैल्यू ऑफ सर्विस कितना बेटा दस लाख रुपए मान लो आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज सर्विसेज इंपोर्ट की किससे मिस्टर डॉन से, Don से. Services ली किसने बेटा मिस्टर कौन ने डॉन से सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज ली किसने बेटा मिस्टर कौन ने बेटा वैल्यू ऑफ सर्विस कितना बेटा टेन लैक्स ,00 और पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी टेक्निकली बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं जीएसटी के हिसाब से बच्चा और इसमें क्या लगता है बेटा आईजीएस लगता है कितना होता है बेटा वन लेख एटी थाउजेंड टोटल सोचिए आउट ऑफ इंडिया से मिस्टर डॉन सर्विसेज इंडिया मिली मिस्टर कौन ने अब सोचो यहां पर सप्लायर डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है कौन जो इंडिया में है अगर उसने उस को पूरा इलेवन लैक एटी थाउजेंड पे कर दिया होता आपको लगता है वो डॉन जो आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में आके वन लैख एटी थाउजेंड जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता अच्छा पे करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको लगता है कि वो डाउन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराता जीएसटी रिटर्न फाइल करता जीएसटी का टैक्स पे करता आपको लगता है आपको कि वो पे नहीं करेगा क्योंकि डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्लियर वो क्या है आउट ऑफ इंडिया क्या है बच्चो अरे उसे कलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है इंडिया के लिए हाँ ना भाई अरे इंडिया वालों से कलेक्ट नहीं हो पा रहा आउट ऑफ इंडिया क्या? क्या? कर पाएंगे बेटा हाँ ना आपको सोचिए बच्चों और सर डॉन को दस लाख पे करो और गवर्नमेंट ने कौन को बोल दिया क्या एक काम कर तुम वन एटी उसको पे करने वाले थे वन एटी तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दो हा है ना भाई तो गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा बता रहा हूं गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा क्लियर <laughs> 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 गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा <laughs> बता रहा हूं कौन टैक्स पे करेगा <sharpop remedy> <laughs> समझे मेरी बात तो ऐसे केस में रेसी इज लाइबल टू पे टैक्स डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट इसमें क्या होगा बेटा यहां पे दस लाख रुपए तो डॉन को पे करेगा एंड यहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा कौन बता रहा हूं कौन हा है ना समझे मेरी बात ओके okay, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अच्छा मुझे बताओ लॉजिकल है कि नहीं बेटा ये तो इस तरह की कुछ सर्विस में लॉजिक है गवर्नमेंट को मजा तो आ रहा है सिस्टम कॉम्प्लिकेट कर दो सब जगह फॉरवर्ड चार्ज एक काम कर इसको रिवर्स कर दो इसको भी रिवर्स कर दो ऐसा थोड़ा होता है यार कुछ लॉजिक रहे होंगे जहां पे सप्लायर से टैक्स लेना इज वेरी डिफिकल्ट इसलिए गवर्नमेंट ने वहां क्या लगाया बेटा चा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वहां बोल दिया रेसीपिट इज लाइबल कुछ सर्विसेज ऐसी नोटिफाई करी कुछ गुड्स ऐसी नोटिफाई करी एक एग्जाम्पल और दू मैं आपको वसूली भाई रिकवरी एजेंट्स नाम सुना आपने बेटा कभी अरे ना भाई सर बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन लोगों को लोन दिया है वो अगर पेमेंट नहीं करते तो उसके लिए क्या अपॉइंट करते बेटा वसूली भाई रिकवरी एजेंट्स प्रॉपर इसकी फॉर्म होती है बेटा आजकल प्रोफेशनल फॉर्म होने लगी बेटा इसकी हा है ना भाई अब वसूली भाई जितना वसूल करेंगे उसका एक परसेंटेज या कुछ अमाउंट उनको कमीशन देगा बेटा कौन देगा बैंक सो so वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम बैंक सर्विसेज में क्या लगता है बेटा जीएसटी कौन लगाएगा नहीं सप्लायर कौन है इस वाले केस में इस ट्रांजेक्शन में सर्विस कौन दे रहा है वसूली भाई दे रहे हैं ना सर्विस यार तो वसूली भाई इज द सर्विस सप्लायर बैंक इज द सर्विस रेसिपिएंट अब आपको लगता है वसुली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स पे करेंगे आपको लगता है और टैक्स अगर पे नहीं करेंगे तो सर आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर उनसे रिकवरी कर पाएंगे वो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं ऑफिसर उनसे रिकवरी कर पाएंगे दो ऑफिसर गए रिकवरी करने वापस आए नहीं बेटा सर इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया हमसे ना हो पाएगा अरे बैंक तुम जब उनको कमीशन दोगे तुम जब उनकी फीस उनको पे करोगे तब केवल कमीशन का अमाउंट उनको पे कर देना जो उस पर जीएसटी लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना वहां पे रेसिपेंट बैंक है रेसिपेंट को लायबल कर दिया डायरेक्टली टैक्स पे करने के लिए उसको बोलते रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आई होप मजा आ रहा है बेटा आपको अरे क्लियर समझे मेरी बात पक्का बेटा डन समझे ओके तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बड़ा बच्चे कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज नोटिफाई करी अभी मेरा टारगेट वो लिस्ट पढ़ाना नहीं है मैं आपको लिस्ट नहीं पढ़ा रहा पर मैंने आपको समझाया है कि यस इस तरह के लॉजिक्स होने की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली ये बड़ा डिफिकल्ट था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स ले ले सप्लायर से रेसिपेंट से इसलिए, वह, इसलिए, वह, इसलिए वहां पर क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वहां रेसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वो लिस्ट हम पढ़ेंगे बाद में बेटा ओके बच्चो क्लियर मैंने केवल एग्जाम्पल देख आपका माइंड ओपन किया कि रिवर्स चार्ज होता क्या आखिर और क्यों आया आखिर यह ओके okay, बच्चों ठीक सर अच्छा श्रेणी ने एक एग्जाम्पल पूछा मेरे से सर अगर ये प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया लेता है तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा या फॉरेन में सर मुझे नहीं आता बेटा ये क्योंकि प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं पड़ रहे हैं बेटा गुड्स और सर्विस पे टैक्स पड़ पे रहे हैं बेटा जीएसटीज टैक्स ऑन गुड्स या सर्विसेज ओके okay, बच्चों तो इम रूढ़ी पे अगर आप खरीदते हो बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता बेटा ओके तो वहां पे आउट ऑफ इंडिया अगर कोई टैक्स होंगे तो वो लगेंगे यहां के इंडिया के टैक्स की बात आती नहीं बेटा ओके चलिए और धीरे धीरे बात करेंगे समझ में आएगा आपका माइंड ओपन होता जाएगा धीरे धीरे ठीक है और सोचेंगे और समझेंगे बेटा आगे यहां तक क्लियर है क्या भाई ओके तो सर आर सी एम क्या होता है समझ में आया क्या बेटा ओके आइए सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है अच्छा जहां पे भी गवर्नमेंट के पास पावर होता है इट मींस डेलीगेटेड पावर इट मींस डेलीगेटेड पावर और डेलीगेट पावर तो डेफिनेटली जीएसटी में क्या होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल यहां पर भी ऊपर लिख देता बेटा मैं जहां पे भी पावर है मतलब बाय डिफॉल्ट जीएसटी काउंसिल लिखा ही है बेटा गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे केन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ और उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को परचेज किया किसने परचेस्ड बाय परचेस्ड बाय नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन तो यहां पर रेसिपेंट मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपेंट जो कि नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है शेल बी लाइबल टू पे GST to the government directly under reverse charge mechanism and all the provisions of the Act shall apply on the recipient. as if he is the person liable to pay GST to the government. ये लास्ट के दो प्रकार तो सेम ही बेटा जो पढ़ी गई थी वही है पे। तो सरकार क्या लिखा है पे? सेक्शन नंबर नाइन सबसेक्शन फोर बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है।

तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो खरीद रहा है बेटा वो टैक्स पे करेगा टू तो गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर बेटा। इसको से तो समझ तो में मैं पर देना है।, भी पता है एक ही पर्सन नोटिफाइड है बिल्डर कौन बेटा जिसको प्रमोटर बोलते टेक्निकली बेटा क्या बोलते बेटा उसको प्रमोटर ओके okay? मैं बोल दूं बेटा समझा दूं आपको बेटा अभी एक बार समझता हूं ध्यान से सीमेंट अरे कभी देखिए खाई होगी ना बेटा नहीं खाई बेटा टेस्ट के चौथा पता है आपको उसका बेटा नहीं पता बेटा वेरी गुड बेटा इसलिए अच्छी पढ़ाई करो नहीं तो वो टेस्ट समझ में आ जाएगा बेटा सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मालिक बिल्डर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या बोला सर वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदता है क्या खरीदता है बेटा तो भाई जो सीमेंट बेच रहा है वो कौन है आवाज नहीं आ रही कौन है बेटा अनरजिस्टर्ड मतलब वो जीएसटी पे नहीं करेगा बेटा हा है ना सर वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी पे नहीं करेगा क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है बेटा हा है ना सर तो जब बिल्डर ऐसे किसी सप्लायर से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसे सीमेंट अगर परचेज करता है या कुछ गुड्स और भी नोटिफाइड है वो परचेज करता है तो ऐसे केस में सप्लायर तो टैक्स पे नहीं करेगा बेटा पर गवर्नमेंट बोलते बिल्डर तू तो समझदार है ना तू तो बड़ा आदमी है कोई बात नहीं वो टैक्स पे नहीं करेगा तू पे कर देना क्या फर्क पड़ता अगर वो रजिस्टर्ड होता तो क्या करता तू तू उसको टैक्स पे करता वो हमको टैक्स पे करता अभी वो रजिस्टर्ड नहीं तो तू डायरेक्ट हमको टैक्स पे करते बेटा ध्यान देन देना समझे मेरी बात अच्छा इसका ग्रेविटी क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा बेटा अभी केवल एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको कि नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन क्या बोला सर ने नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया किससे बेटा

कुछ नहीं मिलता ठीक है सही वक्त आएगा तब बात करेंगे बेटा है हाँ ना भाई अरे clear? Okay, तो सर इनके बच्चो नोटिफाइड क्या बोला सर नोटिफाइड गुड्स ऑफिसर बहुत परचेस कर रहे किससे किससे पर्सन से तो कौन लाइबल होगा बेटा जो रेसिपेंट जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा क्योंकि un -registered तो रजिस्टर्ड नहीं है वो कैसे टैक्स पे करेगा यार हाँ ना मालिक Clear और वहां पर जब जीएसटी नया नया आया था ना 2017 में तब पे बिल्डर नहीं था बेटा सारे लोग थे बेटा कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं था नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था यहाँ बताया क्या लिखा था सेक्शन नाइन फोर में बैंड बज गई थी बैंड हिंदुस्तान के अंदर पूरे सबकी लिखा था कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज कर रहा है तो रिवर्स चार्ज मैक्रेज में लगेगा और रेसिपिन टैक्स पे करेगा टू तो दी गवर्नमेंट डायरेक्टली रिवर्स चार्ज मैक्रेजो में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा इतना सीरियस कंसर्न था बेटा एग्जाम्पल दू मैं इसका बेटा आपको जिसको हटाया है बवाल मच गया था हिंदुस्तान में एग्जाम्पल दू मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा चाय मंगाई बेटा अभी आई थी चाय वाले भैया जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है अब चाय का एक्सपेंस मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस दिखाया बेटा होता है ना टीन रिफ्रेशमेंट वगैरह बेटा अकाउंट्स में देखते होंगे बेटा वो किससे खरीदा मैंने चाय अनरजिस्टर्ड से चाय इज सर्विस चाय इज सर्विस बेटा रेस्टोरेंट इज अ सर्विस ठीक है अब सर चाय सर्विस है हमने सर्विस खरीदी बेटा किससे खरीदी किसने खरीदी लग गए गया बेटा जीएसटी वो भी आर सी एम ए वो तो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट क्या बोलती वो रजिस्टर्ड नहीं ना कोई बात नहीं। तू तो रजिस्टर्ड है तू टैक्स पे पे कर करते तू उसको पे करता वो हमको पे करता वो रजिस्टर्ड नहीं तू डायरेक्ट हमको पे कर दे मतलब आप सोचिए इसका मतलब ये हो गया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने खर्चे हैं अगर वो रजिस्टर्ड से परचेज किया है तो दोस्तों टैक्स पे कर दिया होगा हमसे लेकर और वो अगर रजिस्टर नहीं तो हमको टैक्स पे करना और केवल टैक्स पे करना इस क्या रेट बेटा हाँ ना हर महीने टैक्स पे करना है कई बार तो हर महीने हमारे खर्चे बुक नहीं होते बेटा हम तो अकाउंटिंग दो तीन महीने में एक बार करते बेटा समझ लो मेरी बात बेटा तो देवर ह्यूज

सर अगर आपने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत परचे किया है और आप को नो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो केवल एक ही बिल्डर बेटा सिर्फ जिसको प्रमोटर बोलते हैं टेक्निकली बेटा तो उसको रिवर्स चार्ज डाला अगर उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत किए तो बेटा हाँ है ना भाई क्लियर डन सर यहां तक पॉइंट समझे मेरी आप अच्छा यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख दू क्या बेटा एग्जाम्पल सीमेंट ध्यान रहेगा बेटा आपको ओके okay. किससे परचेज किया बेटा अनरजिस्टर्ड तो। पर्सन से तो रजिस्टर्ड से परचेज किया तो वही टैक्स पे करेगा सप्लायर बेटा हाँ है ना मालिक ठीक है सर चलिए ये था सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर आ रहा है क्या सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फाइव आपने स्विगी का नाम सुना क्या स्विगी जोमेटो ओला उबर उनके लिए सेक्शन में बेटा अच्छा एग्जांपल दू बेटा मैं आपको चलो एक बार सेक्शन लिखता हूं फिर समझेंगे बात को बेटा ओके okay? सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव बोलता है क्या अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है लेट ऑन रिकमेंडेशन द जीएसटी देन नोटिफाई दिल थाम के देखेगा देखेन नोटिफाई सटे साहब देखे नोटिफाई सट है ना आवाजी सबकी नहीं रही देखे नोटिफाई सटे ना सर्विस दिस सेक्शन इज ओनली फॉर हाँ गुड्स नहीं है मैंने अमेजोन का नाम नहीं बोला है फ्लिपकार्ट नहीं बोला है मैंने मैंने क्या बोला बेटा सर स्विगी बोला मैंने जोमेटो बोला मैंने ओला बोला उबर बोला ठीक है और वो भी कुछ नोटिफाइड सर्विसेज ही है बेटा तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन दिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल देखिए नोटिफाइड सट है ना सर्विसेज और वो नोटिफाइड सर्विसेज इफ सप्लाइड ईसीओ मतलब Electronic commerce operator. If those services are supplied through electronic commerce operator, then ECO shall be liable to pay GST to the government directly. And all the provisions of the Act shall apply Dil on the ECO as if ECO is the सप्लायर ऑफ सच सर्विसेस फुल स्टॉप सरकार मालिक गवर्नमेंट के पास पावर है दट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे के नोटिफाई सट है न सर्विसेज है ना सर्विसेज और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या इन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के केस में अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी गवर्नमेंट तो 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 डायरेक्टली एज इफ सर्विसेज ठीक है अभी ध्यान रखोगे तो मैं बात कर पाऊंगा अच्छे से विद वाला एकदम दिमाग खराब अच्छा वैसे तो सेक्शन नाइन थ्री आरसीम वाला बेटा डॉन के, के कौन लाइव वाला बेटा याद आया नाइन फोर बिल्डर वाला बेटा और नाइन फाइव ये जो बात कर रहा हूं मैं ओला ओवर वाला बेटा ये तीनों सेक्शन मैंने आगे चैप्टर चैप्टर दे रखे नंबर वाला एंड ईसी वाला वहां इन तीन सेक्शन को डिफाइन करके अच्छे से मैंने एग्जाम्पल के, सा, के, के साथ एग्जाम्पल पर देखी केवल एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ क्योंकि सेक्शन नाइन में आ रहे बेटा ये ओके बच्चो ठीक सर इधर नाइन फाइव एक एग्जाम्पल देखिए समझा जाता मैं आपको बेटा यहाँ बोल दिया है क्या गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं किसको नोटिफाई कर सकते बेटा तो यहां गुड्स नहीं है भाइयों केवल क्या बेटा और सुनो वो भी सारी सर्विस नहीं नोटिफाइड सर्विसेज ठीक है सर और उन नोटिफाइड सर्विस के केस में कौन लाइव होगा ईसीओ विल बी लाइवल अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी तो और isu will be treated as if isu is the supplier of such services मैं एक एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा तो विजुलाइज हो तो जाएगा तो मजा आ जाएगा दिल में बैठ जाएगी सर मान लो गुड सर ओला का एग्जांपल ले लो बेटा सर क्या नाम सर अमेय अमेय भाई ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा अमय भाई अमय भाई कौन है बेटा ओला कंपनी के मालिक हाँ होते हैं पीछे लोग बोलते बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा ठीक है ना आगे बढ़ते जाओ बेटा हम तुम्हारे हम तुम्हारे पीछे है बेटा टेस्ट चेंज कर बेटा सर सुनना बात से <laughs> मालिक ये बोला है मैंने कहा ना देख भाई तुम बोलो पर जवाब के लिए रेडी रहना बैठ से सर सुनना बात ध्यान से मालिक सुनना अब घर जाके सोचना इस बात मीनिंग क्या बेटा सर इधर ध्यान बेटा <laughs> इधर इधर ध्यान इधर ध्यान <laughs> <laughs> दस साल हॉस्टल में रहूं बेटा जो तुम सोच सकते हो सब का मैंने किया बेटा सर इधर ध्यान इधर 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 ध्यान सर मान लो ओला कंपनी के मालिक हमारे बीच बेटा बेटा मैं हूं टैक्सी ड्राइवर बेटा क्लियर मेरी एक टैक्सी है विच इज लिस्टेड ऑन ओला एप वो टैक्सी से मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता हूं बेटा मैं आप वो पैसेंजर क्लियर मान लो आपको यहां से केपी जाना है केपी कोरेगा पार्क हाँ है ना भाई क्लियर अब सर आपको बाजीराव रोड से कहा जाना बेटा केपी आपने टैक्सी बुक किया नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी सर मैं टैक्सी लेके पहुंच गया ठीक है मालिक आपको पिक किया ड्रॉप लोकेशन पे आपको ड्रॉप किया मान लो फेयर था रुपीज सेवन हंड्रेड मान लो सर कितना बेटा सात सौ रुपया हा भाई ओके तो अब मुझे बताना है इसमें हुआ क्या ट्रांजेक्शन क्या पहले बात करें टैक्स बाद में बात कर लेंगे सर ओके पहले ट्रांजेक्शन सीखिए बेटा देखो जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन लोग जीएसटी याद करते हैं मैं ट्रांजेक्शन समझाता हूं जीएसटी अपना आप आ जाता है बच्चे ठीक है पहले ट्रांजेक्शन सीखे बेटा आप लोग मालिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस किसने दी मुझे बताओ पहले तो आप क्या ओला की टैक्सी थी बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी किसने टैक्सी वाले ने बेटा हा है ना तो हु इज द एक्चुअल सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस टैक्सी वाला बेटा हु इज द सर्विस रेसिपिएंट पैसेंजर बेटा भाई अल्टीमेटली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस रिसीव किसने करी पैसेंजर ने बेटा तो सर्विस सप्लायर कौन टैक्सी वाला हा है ना कौन? पैसेंजर ओके सर ओला कौन ईसीओ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है एक प्लेटफॉर्म है जिसने आपको और मेरे को मिलाया है बेटा इसने सारे सप्लायर्स और सारे रेसिपेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है बेटा। एग्रीगेट कर दिया है इसलिए इस मॉडल ऑफ बिजनेस को बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस क्या बोलते बेटा इसको एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस हा है ना भाई यहां तक पहुंच गए बेटा आप आराम से ओके तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर जीएसटी छोड़ो बेटा यहां पर इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सर्विस सप्लायर कौन टैक्सी वाला रेसिपेंट कौन पैसेंजर्स और सर ECU कौन है ओला एक्चुअल सप्लायर कौन रेसिपेंट कौन अच्छा सर्विसेज दी मैंने बेटा क्या लगना चाहिए इस पर जीएसटी लगना चाहिए बेटा सर्विसेज पर क्लियर लगेगा जीएसटी बेटा कौन पे करेगा पैसेंजर से टैक्स लेगा क्लियर कौन पे कौन करेगा सप्लायर भाई नॉर्मल कोर्स में कौन पे करता सप्लायर पे करता ना भाई सप्लायर कौन टैक्सी वाला अब आपको लगता है टैक्सी वाले को देख के बताओ ये टैक्सी वाले को देख के बताओ कि आपको लगता है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा मंथली बेस पे जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा सर आपको लगता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करेगा रिटर्न फाइल करेगा टैक्स पे करेगा क्या लगता है प्रैक्टिकली सोच देखिए बेटा यार वो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है यार इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इतना अमीर आदमी अगर वो होता तो टैक्स नहीं चलाता प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत बड़ा रेवेन्यू बेटा इस पर हा है ना अब जीएसटी छोड़ तो सकती नहीं गवर्नमेंट ना इन टैक्सी वालों से ले पाएगी गवर्नमेंट बेटा टैक्स इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है भाई ये टैक्सी वाला बड़ा आदमी नहीं तो क्या होगा ओला तू तो, तो बड़ा आदमी है ये तो बड़ा आदमी ना यार तू पैसेंजर से टैक्स ले सकता है और हम तेरे से टैक्स लेंगे साहब एंड यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी आवाज नहीं आ रही यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज हा ना मालिक एक्चुअली सप्लायर कौन है टैक्सी वाला पर फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी सप्लायर किसको मान लिया बेटा ईसीओ को बेटा अच्छा रेसिपेंट कौन है बेटा रेसिपेंट कौन है सर सप्लायर कौन है एक्चुअली सप्लायर कौन है

हाँ, सप्लायर ना बेटा भाई सप्लायर मेरी जगह उसको मान लिया पे कौन कर रहा है इसलिए इसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते क्या बोलते बेटा इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्योंकि मैके हाँ रेसिपेंट 90 परसेंट पब्लिक इसको गलत समझती है और इसको आरसीएम बोलती जब है जबकि क्या बेटा ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेर आर सी एम क्यों क्योंकि वहां पे रेसिपेंट टैक्स पे करता है द टैक्स किसको मान लिया CEO को आप ध्यान से देखिए बच्चों एक मिनट नोट करने की जगह देखिए ध्यान से। यहाँ पे नाइन फाइव मैंने क्या लिखा ईसीओ शेल बी ट्रीटेड एज इफ ईसी देखना बेटा नाइन फोर नाइन थ्री नाइन थ्री बेटा यहां क्या लिखा रेसिपेंट शेल बी ट्रीटेड इफ इज द

और हां आप लाइबलो टैक्स पे करने के लिए और हां आप ही लाइबलो टैक्स पे करने के लिए नहीं नहीं तीन बात ही बेटा अच्छा तीन मत क्यों लिखा बेटा अब सुनो ध्यान से अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो तो वही टैक्स पे करेगा पर ईसीओ उबर है बेटा आउट ऑफ इंडिया वाला ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है, नहीं है वो डोनो वाला कैसे है बेटा तो भी आप ही टैक्स पे करोगे

Who will pay tax on their behalf, क्योंकि इससे ना हो पाएगा पे तो आपको या तो आपका फिजिकल आप प्रेजेंस तो ठीक है वो भी नहीं है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा हिंदुस्तान में एक आदमी जो आपके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा हु पे टैक्स ऑन योर बिहाफ पर पे तो आपको ही करना पड़ेगा इससे ना हो पाएगा हाँ है ना भाई क्लियर एक और एग्जाम्पल स्विगी जोमेटो सर रेस्टोरेंट सर्विसेज सर मान लो मैं रोड साइड खड़ा होकर सैंडविच बनाता हूं बेटा कभी खाया बेटा सैंडविच गुड बेटा किसी को खिलाया बेटा अच्छे से पढ़ाई करो बेटा एक दिन आएगा बेटा जब यू you नो know? हाँ और सर वो भी मेरे हाथ का सैंडविच बेटा हाँ जिसको लेके आओगे वो बोलेगी तू छोड़ हाँ सर आपसे <laughs> <laughs> ये कि मालिक सैंडविच मान लो मैं रोड साइड पे सैंडविच बनाता बेटा भेलपुरी बनाता हूँ बेटा स्विगी के थ्रू आपने ऑर्डर किया हाँ है ना सर किसके थ्रू बेटा स्विगी के थ्रू एक्चुअल सप्लायर कौन है रेस्टोरेंट सर्विस का एक्चुअल रेसिपेंट कौन है जिसने ऑर्डर किया कस्टमर बेटा ठीक है पर फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी सर ईसीओ शेल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज दी सप्लायर और स्विगी लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा ठीक है मालिक Clear, अभी आपको पिक्चर पूरी क्लियर अभी मेरे को डिटेल में समझाना नहीं पड़ा आपको अपने आप क्लिक हो गया कौन सप्लायर है कौन नहीं बेटा? हाँ ना इसलिए पहले सिस्टम समझ में आना चाहिए बेटा ओके मालिक उसको सिस्टम को समझते हो पूरा कॉन्सेंट्रेशन मस्त होके पढ़ो सर एकदम प्रैक्टिकल ओके सर यहाँ तक क्लियर प्रैक्टिकल पढ़ाई का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमरिकल नहीं होता है बच्चे प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड बेटा प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए बेटा आपको हाँ है ना बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि आपको भाई आवाज नहीं आ रही ओए पक्का होटल बुकिंग होटल बुकिंग जैसे ओयो गुड बेटा समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे बेटा क्लियर जैसे आपने तीन दिन के लिए कोई होटल बुक किया बेटा तू जिस तरह से स्माइल कर रहा ना बेटा ये दिनों के लिए बुक नहीं करते आर्स के लिए बुक करते बेटा सर इधर देना। तो मालिक आपने मान लो तीन दिन के लिए होटल बुक किया और वो होटल आपने गो आईवी डॉट कॉम वगैरह के थ्रू बुक किया है सर होता ना बेटा सर्विस अपार्टमेंट एयरबीएनबी बेटा क्लियर तो वहां पे भी नाइन फाइव लगाया हुआ है बेटा

हा ना मलिक ओके यही यहां पर सेक्शन नंबर नाइन खत्म होता है अब ये था आपका सेक्शन नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव क्लियर ओके पता है आपको जैसे सेक्शन नंबर नाइन है सीजीएसटी एक्ट में अच्छा पता है नाइन वन नाइन टू नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव एब्सोलुटली सेम नाइन वन नाइन टू नाइन नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव कहां पर है एसजीएसटी एक्ट में बस यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां क्या होगा बाकी कोई चेंज नहीं है सर अच्छा बताए सेम सेक्शन सेक्शन नंबर फाइव है किसका आईजीएसटी एक्ट का, आई का। सेक्शन नंबर फाइव ऑफ द आईजीएसटी भी क्या बेटा जो सेक्शन नंबर नाइन है ना यहां पे वही चलो आप मुझे बताएंगे फाइव वन ऑफ दी आई क्या होगा बता, बताओ चार्जिंग सेक्शन जिसमें क्या लिखा होगा मैं बोल देता हूं बेटा तो आपका रिविजन भी हो जाएगा नाइन सेक्शन नाइन ना वन ना ना का और यह भी समझ में आ जाएगा आई जी एस टी बी क्या लिखा सर आई जी एस टी शेल इंटर स्टेट सप्लाई ऑन ऑफ वॉट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन एट द रेट नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन नॉट मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ दैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोल एंड इट शेल बी पेबल बाबल पर्सन क्लियर पूरा सेम केवल इंटर की जगह इंटर ट्वेंटी की जगह फोर्टी सेक्शन फाइव सब सेक्शन टू वो पांच गुड्स याद आई क्या कौन सी पांच गुड्स पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नॉलेज पेट्रोल एविशेंटर बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस दारू तो ऊपर 91 में थी बेटा मैं अभी 52 की बात करू 52 में पांच गुड्स है बेटा हा है ना भाई पांच सेक्शन में 5 सब सेक्शन टू नाइन सब सेक्शन टू में इन पांच गुड्स पे जीएसटी लगेगा फ्रॉम अ डेट To be notified by the government on the recommendation of the GST council, जब तक notified नहीं, वो दारू तो 5191 में लिखी हुई बेटा, इसलिए गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा नॉन टैक्स जीएसटी लेवी नहीं होता है ठीक है फिर क्या बोलता है क्या बेटा आपको आरसीएम फिर ई सी याद आया क्या बेटा क्लियर इंटरसेट सप्लाई हो या इंट्रा तो सेट सप्लाई हो, हो प्रोविजन आर एब्सोल्युटली सेम यहां तक पिक्चर क्लियर पक्का प्लस प्लस यहां पर सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन वन में एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा है बेटा यहां पे प्रोवाइजो मतलब एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है यहां पे बेटा और बोल दिया क्या अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करिए क्या इंपोर्ट करी बेटा मैं सर्विसेज इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा आपसे किसकी बात कर रहा बेटा मैं आपसे ओ भाई आपसे मैंने कल बोला था कि गुड्स के इंपोर्ट करने पे क्या लगता है बेटा कस्टम्स ड्यूटी लगती है याद बेटा आपको आपको आता था ऑलरेडी बेटा क्या लगता था मालिक कस्टम्स ड्यूटी लगती है और कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ आई जीएसटी भी लगेगा क्या बोला बेटा कस्टम्स के साथ साथ आई जीएसटी भी लगेगा क्या लगेगा बच्चे अच्छा आइडिया के बता रहा हूँ मैं आपको केवल कस्टम नहीं पढ़ रहा कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता आएगा तो बात करेंगे सर मालिक अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी तो कस्टम क्लियरेंस होता है डायरेक्ट आपके घर पे गुड्स नहीं आएगी बेटा पहले कस्टम पोर्ट पे जाएगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएगी बेटा जहां पे कस्टम स्टेशन होते हैं वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे गुड्स सारी चेक होगी उसके बाद कस्टम पे होगा उसके बाद गुड्स लेना अलाउ होगा डायरेक्टली आपके घर पर अलाउ नहीं होगी बेटा तो वहां पे जब कस्टम लेते है ना बेटा कस्टम के साथ में आई जीएसटी भी डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा होता आपने तो जीएसटी तो गवर्नमेंट को हमने बोला कि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बेचते हो तो लगता है तो रहा है तो ना इंपोर्ट गुड्स में जाएगी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसे भी आईजीएसटी चार्ज कर दिया ठीक है बच्चों क्लियर अच्छा सारी गुड्स के इंपोर्ट पे क्या बोला सर सारे गुड्स के इंपोर्ट पर कस्टम लगता है और कस्ट... अच्छा गुड्स इंपोर्ट पे कस्टम लगता है सर्विसेज के इंपोर्ट पे कस्टम नहीं लगता सर्विसेज की इंपोर्ट पर, क्या बेटा। पर दे दी बेटा। तो बीच में कस्टम आएगा क्या समझे मेरी बात तो गुड्स केस में केवल आईजीएसटी लगता है क्या लगता है बेटा कस्टम और कस्टम के साथ में क्या लग जाएगा बच्चे आईजीएसटी लग जाएगा पर एक गुड्स ऐसी जिसकी इंपोर्ट पर कस्टम नहीं लगता है पर आईजिस्ट लगता है बेटा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या बेटा वैसे इसका टॉपिक बाद में आएगा तो बात करेंगे हम स्पेसिफाइड इनको अगर आपने इंपोर्ट किया है क्या क्या बेटा आपने तो आई टी लगेगा कस्टम्स नहीं लगेगा ओके okay, बच्चों ये बुक में लिखा है मैंने लैंग्वेज में बेटा मिल जाएगा आपको ओ भाई क्या बोला बेटा स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम के इंपोर्ट पर आई आईजीएसटी लगेगा पर कस्टम्स नहीं लगेगा अब तो आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो अच्छा पढ़ा रहे थे तो तो अभी क्या हो रहा है अब हाँ क्या है सर <laughs> ओके ओके सर एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा ना यार आपको यार जंगली रमी पे आओ ना महाराज और महाराज पहुंच गए ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग पोकर ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन तो क्या इंडिया के इसलिए बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा क्या स्टेक एस टी ए के आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये ऑनलाइन मनी गेमिंग की है सट्टा खेलते हो सर हम बोर्डर ले, ले लेंगे ना बेटा सर ने भी किसी की लेके आया बेटा सर सुनना भाइयों तो ये जो जुआ खेलते हैं गेमलिंग सट्टा खेलते सट्टा बैटिंग है हाँ ना खेलते हो ना बेटा सरकार ये अगर वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की है अच्छा डोमेस्टिक वाली वेबसाइट है बैट वैल्यू लगाया है, जितने, का जुआ खेला आपने, जितने का सट्टा खेला आपने बेटा उस पर जीएसटी लगता है ये समझाना चाह रहा है हा है ना मालिक क्लियर जुआ खेला तो जीएसटी लगेगा और अगर आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट है तो भी जीएसटी लगेगा ओके मालिक समझे मेरी बात बेटा ठीक है सर वगैरह हो गए बेटा है ना ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आते हैं ओके तो सर आउट ऑफ इंडिया की कोई वेबसाइट है श्रीलंका की कोई वेबसाइट है है बेटा हाँ ना जिससे आपने जुआ खेला है सट्टा खेला है ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है आपने बेटा तो उस पर जीएसटी लगता है ऑल दो कस्टम नहीं लगता तो क्या हो गया जीएसटी तो लगेगा ठीक है पका डन आगे स्पेसिफाइड एक्सटेनबल क्लेम के बारे में बात और आएगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा और समझाऊंगा अच्छे से बेटा मैं ठीक है यहां तक क्लियर डन तो सर यहां पर सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन वन इसमें एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा था और उस प्रोवाइजो के अंदर ही स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम की बात करी थी वो भी मैं आपको समझा दी बच्चों ठीक है मालिक क्लियर आई होप चार्जिंग सेक्शन आपको पूरा समझ में आ गया पक्का मालिक चलिए सरकार अब बात करता हूं क्या सर सेक्शन नंबर फाइव हो या सेक्शन नंबर नाइन हो बेटा <coughs> अरे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो जीएसटी कब लगता है समझना बात को ध्यान से प्लीज सर अच्छा यहां तक क्लियर है बेटा आपको क्लियर मेरा कहने का मतलब यह है कि बताओ जीएसटी कब लगता है जीएसटी कब लगता है सी जीएसटी एस जीएसटी कब लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर आई जीएसटी कब होता है इंटरस्टेट सप्लाई पे। अच्छा इंट्रा हो या इंटर छोड़ पॉइंट ये है सी और एस हो या आई हो छोड़ जीएसटी कब लगता है बेटा सप्लाई पे बेटा आवाज नहीं आ रही है कब लगता है सर मतलब ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे ये टैक्स लगता है सर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे ये टैक्स लगता है जल्दी बताओ अरे जीएसटी लेवी कब होता है भाई सप्लाई सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई वट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी आवाज नहीं आ रही सबकी सर टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है जीएसटी के अंदर वो इवेंट कौन सा है बेटा कहा लिखा है चार्जिंग सेक्शन में लिखा है बेटा सेक्शन नाइन वन में पढ़ा हमने कि इंटर सेट सप्लाई पे जीएसटी लगता है क्या लिखा मैन्युफैक्चर पर जीएसटी लगता है क्या लिखा सेल पे जीएसटी लगता है क्या लिखा सप्लाई में क्या लिखा इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएस लगता है बच्चा हाँ है ना भाई तो इंट्रा हो इंटर हो सर सीओ हो या आई हो जीएसटी लेवी कब होता है बच्चा आवाज कब लगता है तो वो इवेंट जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है इस कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट और जीएसटी के अंदर वो टैक्सेबल इवेंट क्या है बताओ कस्टम कब लगता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सर टैक्स वेट का टैक्सेबल इवेंट क्या है फंडे समझो सर हाँ है ना सर टैक्सेबल इवेंट क्या था शायद आपका समझ में आ गया बच्चा तो बाकी के एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी आंसर आपने दिया है मेरे को बेटा मैं आपसे यह चाहता हूं इंस्टीट्यूट आपसे यह चाहता है Clear? कि दिमाग आपका चले है बुक्स की लैंग्वेज नहीं बोलना रे। में लिख दिया और आपने याद कर लिया आपको कुछ भी नहीं आता है आप मेरी बात आपको फंडा ऐसा समझना है कि आपका दिमाग काम करे बेटा जीएसटी दे रही है टेक्सीबल इवेंट अंडर जीएसटी इज मीन माइ सप्लाई डिफाइंड इन सेक्शन नंबर सेवन ऑफ दी जी एस टी एक्ट कहा मालिक सेक्शन नंबर सेवन में डिफाइन किया कि सर सप्लाई क्या होता है तो आप मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी क्या है सप्लाई क्यों सप्लाई होगा तो जीएसटी एक पढ़ने का मतलब है सर सप्लाई है ही नहीं देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट होल मतलब कितना इंपॉर्टेंट टर्म हो गया यार अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा खत्म और अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा मजा आ गया क्लियर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी इज सप्लाई

सप्लाई अच्छा एक मिनट ये देखना आप ध्यान से एक मस्त चीज पढ़ता हूं सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन यार एक चीज बता मुझे ये सब सेक्शन वन है या क्लोज वन है यही अगर ये लिखा होता अब क्या होता क्लोज होता है या सब सेक्शन ए होता तो कभी सोचा नहीं जो आप बोल रहे हो सही है सर ये कैसे पता पड़ता है ये क्लोज है कि सेक्शन है कि क्या है सर ये क्या अच्छा चलो ये लिखा होता तो ये होता ना रोमन वन टू थ्री फोर ये क्या होते हैं क्लोज होते हैं या सेक्शन होते हैं क्या होता है बेटा पॉइंट समझ में आ गया आपको मेरा यार क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा तो ये देख के डिफाइन नहीं होता है पहली बात ये ठीक है ए लिखा है बी लिखा है वन लिखा है रोमन वन लिखा है केयर ऐसा पता नहीं बढ़ता है, है एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए समझने की कोशिश करता हूं कोई भी सेक्शन है बेटा जैसे सेक्शन नंबर टू है डेफिनेशन वाला ओके okay? उसमें ऐसा लिखा होता है अच्छा उसमें भी वन टू थ्री फोर ही है उसमें कोई एबीसीडी नहीं है बेटा ठीक है समझना वहां पे ये लिखा होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अंडर अंडर दिस एक्ट फॉलोइंग एज ठीक है ऐसा लिखा होता है कि अगर कहीं पे कुछ लिखा है स्पेसिफिकली तो बात अलग है अदरवाइज इन वर्ड्स का मीनिंग ये होगा ठीक है फिर आया वन फिर आया टू इस तरह से आया ठीक है अभी हम सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन देखते हैं बेटा यहां पे लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स ओके बच्चों एक मिनट एक मिनट रुकिए 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 ये समझो बेटा ये बुक्स में नहीं मन, नहीं मिलता है ना समझ में आता बेटा वहां से दोनों में क्या फर्क है सेवन वन और टू वन में क्या फर्क है भाई साहब टू जब शुरू हुआ है एक लाइन लिखी हुई है उसके बाद वन लिखा हुआ है नहीं अच्छा सहानी आया यार जबरदस्ती आनी चाहिए बेटा मेरे को यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई सर सेक्शन नंबर टू जब शुरू हुआ है आप देखिए वह एक कॉमन लाइन है एप्लीकेबल ब्ला 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 बट आप सेक्शन नंबर सेवन में देखिए बेटा सेवन का कोई कॉमन लाइन नहीं है डॉट सेवन वन फी सेवन टू सेवन थ्री सेवन फोर सेवन फाइव नहीं है सेवन सिक्स सर इधर दैन हो गया जोश में होश नहीं होता बेटा सर सुनना बात से भाई भाई मिनट पॉइंट आपसे ये डिफरेंस नही है अगर कोई एक कॉमन लाइन होती है और फिर पॉइंट्स आते हैं इट मींस दैट कॉमन लाइन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दिस क्लोजेज बट यहां पे सेवन वन शुरू हो गया फिर सेवन टू शुरू हो जाएगा सेवन थ्री फोर फाइव यहां कोई कॉमन गवर्निंग लाइन है क्या लिए कोई कॉमन लाइन है क्या बेटा तो ये होते हैं सब सबसेक्शन क्या होते हैं बेटा ये सब सेक्शन और यही क्या है क्लोजे सेक्शन नंबर टू क्लोज वन सेक्शन टू क्लोज टू यहां पे सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन सब सेक्शन टू थ्री फोर फाइव आये ना अगर कोई कॉमन लाइन है

ये अगर रूलता तो सबरूल सब टू पे क्लोज ए क्लोज क्लोज वन टू थ्री फोर हा है ना अब भले यहाँ पे ए हो बी हो रोमन वाला ए हो रोमन रुम, वाला वन हो कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता अभी समझ में आया बेटा आपको ये अच्छा ये बात केवल नॉलेज बताई आपको बेटा एग्जाम में तो आपको क्या बेटा ऐसे लिखे ना बेटा या टू वन ऐसे लिखे ना बाकी में जो कॉपी चेक कर रहा है बेटा उसको पता होना चाहिए क्लोज है ए सेक्शन सबसे बेटा हाँ ना पर लाइफ में काम आती है बेटा ये सब क्लियर समझ मेरी बात अब लाइफ टाइम आप इस चीज को नहीं भूल पाएंगे बेटा ओके okay बच्चों चलिए सर मैं बात शुरू करता बेटा सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स क्या लिखा बच्चा सप्लाई इंक्लूड्स यहाँ पे ए बी फिर सी फिर डी लिखना मत लिखना मत लिखना मत कुछ चेंज करने वाला बेटा मैं क्लियर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज ए क्लोज बी क्लोज सी क्लोज डी क्यू क्लोज हाँ एक गवर्निंग लाइन ऊपर आ गई कॉमन लाइन बेटा सबके लिए हा भाई क्लियर ओके चलिए सर पहले क्या पढ़ेंगे बेटा ए उसके बाद आता है डबल ए एक्चुअली मैंने इसलिए मैंने आपको लिखने से मना किया बेटा ओके okay, अभी रुको आप डबल ए भी मत लिखो बेटा ठीक है पहले ए पढ़ ले बेटा हम लोग सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए चलो एक पढ़ने से पहले एक चीज और बताओ डी भी था पर डी था अब नहीं रहा डी को काट के सब सेक्शन वन ए कर दिया वो छोड़ो भी आप ओके एक मिनट ए भाई ये ए बी सी जो भी है वो पढ़ने से पहले ऊपर क्या लिखा बेटा सप्लाई सप्लाई इसका मीनिंग क्या है सप्लाई इंक्लूड्स ए डबल ए बी सी इसका मतलब क्या है इंक्लूसिव डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है मेरे कहने का के मतलब यह है कि ए डबल ए बी और सी ये ही है या ये भी है ओनली ऑल्सो पका और यही लिखा होता सप्लाई मींस माय लाइफ मींस यू तुम ही हो माय लाइफ इंक्लूड्स यू तुम भी हो <laughs> हाँ ना भाई सर यहां पे क्या लिखा है इंक्लूड्स हा है ना बच्चों क्लियर सर इट मींस दिस डेफिनेशन इज मतलब लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट सो स्मार्ट क्योंकि इनको पता है, नया एक्ट बन रहा है लोग जबरदस्त स्मार्ट है बेटा वो और भी होशियार है बेटा डबल होशियार होता है डेढ़ होशियारो क्यों अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन से गलती से भी बार हो गया खत्म हम तो जेस्ट लगाएंगे नहीं क्यों जेस्ट लगता ही कभी सप्लाई नहीं है तो लॉ मेकर ने भी क्या बोला हमने तो यहां कहा लिखा कि यही सप्लाई है ये भी सप्लाई है, जो नहीं है जो है, वो तो है ही है और जो सोच रहे हो वो भी हो सकता है ना बेटा yes, समझे मेरी बात वैसे लॉ मेकर था सो स्मार्ट कि उन्होंने इन क्लोजेस में सब कुछ कवर कर दिया बेटा कुछ छोड़ा ही नहीं पर फिर भी नया एक्ट बनाया इसलिए इंक्लूड्स लिखा है अब शायद कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ेंगे जब डेफिनेशन आप देखेंगे जरूर आपका ध्यान जाएगा कहा कि मीन्स लिखाया इंक्लूड्स लिखा हा भाई अब तक हम डेफिनेशन पर तो ध्यान ही नहीं देते कि इंक्लूड्स है कि मीन से, से जो है वो पढ़ो फटाफट हा भाई क्लियर आइए सप्लाई सूड्स क्लोज नंबर ए सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए क्या कहता है बात कर ले बेटा आइए बचो क्या बेटा बस समझ बेटा आपको यहां लिखता हूं मैं। ब्रेक चाहिए क्या बेटा आपको अभी चाहिए अभी क्या अभी चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं हम और ब्रेक के बाद मिलते हैं बट विद इन टेन मिनट्स ओके थैंक यू सो मच माहौल जो बता शानदार और हाँ यहां पे जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं ये मैं डेली बेस पर लेक्चर के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो एकतम तो अकेडमी का है और यशन मंगल वाला इंटर वाला है उसमें भी शेयर कर दूंगा बेटा मैं ओके डन थैंक यू सो मच मिलते हैं ब्रेक के बाद माहौल जबरदस्त शानदार आई होप समझ में आ रहा है बेटा आपको ओके थैंक यू